शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लाख की चूड़िया पृष्ठ संख्या 9 से आरंभ करेंगे। कुछ देर फिर शांति रही, मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही मट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक जब बड़ा हो जाता है तो बदलू से मिलने के लिए फिर उसके घर जाता है, और समय बहुत हो जाने के कारण बदलू से पहचान नहीं पाता है, अर्थात बहुत साल बाद लेखक के पहुंचने के बाद बदलू से नहीं पहचान पाता है, तो लेखक अपना परिचय बदलू को देता है। तब बदलू पूछता है कि इतने वर्षों के बाद क्यों आए हो। लेखक बैठते हुए जवाब देता है कि आजकल यहाँ आया ही नहीं, या इतने वर्षों तक मैं यहाँ आया ही नहीं, जिस कारण मैं आपसे भी नहीं मिल सका। इसके बाद कुछ देर शांति रहती है, लेखक अपनी दृष्टि अपनी नजर इधर उधर भी दौड़ाता है, उसको ना तो बदलू की मचिया नजर आती है और ना ही वह भट्टी जिसमें वह लाख को पिघलाया करता था। और लेखक पूछता है कि आजकल काम नहीं करते हो क्या। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़िया कोई पूछे तब तो गांव-गांव में काज का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहां संभव है। लेखक के प्रश्न का जवाब बदलू देता है और कहता है कि नहीं लला, मेरा काम तो कई साल से बंद पड़ गया है, क्योंकि आजकल मेरी बनाई हुई लाख की चूड़िया कोई नहीं पूछता है, हर एक गांव में अब कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया है। इसके बाद बदलू फिर थोड़ा सा चुप हो जाता है और कहता है कि मशीन का युग आ गया है, मशीन का जमाना आ गया, आजकल सारे काम मशीन से होता है, यहाँ तक कि खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है वह सुंदरता लाख की चूड़ियों में नहीं है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहता है। मुझे लगा उसे दमा है, अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने दो महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। बदलू के कहने के बाद लेखक कहता है कि कांच की चूड़िया तो बहुत खतरनाक होती है और वह जल्दी भी टूट जाती है, और फिर वह नाजुक भी होती है लगा। बदलू कहता है वह नाजुक तो होती है, और ऐसा कहते कहते उसे खांसी आ जाती है और वह देर तक खांसते रहता है। लेखक को लगता है कि शायद बदलू को दमा हो गया है, क्योंकि अब उसका उम्र भी हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, और उसके माथे से और बाकी शरीर या हाथों से नसें भी उभर आई है, अर्थात बाहर की तरफ निकल आई है। लेखक को पता नहीं चलता है कि कैसे बदलू उसके मन की बात को जान लेता है, भाप लेता है और कहता है कि मुझे दमा नहीं है, बस फसली खांसी, अर्थात गले में कुछ फंसी फंसी सी महसूस होती है, इसी कारण खांसी होती है, यही महीने दो महीने से यह खांसी है, और मैं उम्मीद करूंगा कि 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका, कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहककर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया, मुझे वे दिन याद आ गए जब वो मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था।
यहाँ लेखक बदलू की बात सुनकर चुप हो जाता है। उसको लगता है कि शायद बदलू के अंदर ऐसी कोई बहुत बड़ी परेशानी है जो वो किसी से कह नहीं पाता है। लेखक बहुत देर तक यह सोचता रहता है कि मशीन युग आने से कितने लोगों के हाथ काट दिए, अर्थात मशीनों के आने से कितने लोग बेरोजगार हो गए, उनका काम बंद हो गया। और फिर इसके बाद थोड़ी सी शांति बनी रहती है जो लेखक को पसंद नहीं आता है। इस वजह से वह विषय बदलते हुए, बात को बदलते हुए पूछता है कि आम की फसल कैसी है। तब बदलू बहुत खुश होकर उत्तर देता है कि बहुत अच्छी है, और अंदर से अपनी बेटी को आवाज देता है और कहता है कि आम लेकर आए लेखक के लिए। और लेखक से कहता है कि मुझे माफ कर देना लाला, तुमको आम खिलाना मैं भूल ही गया था। लेखक कहता है कि नहीं चाहिए मुझे आम, क्योंकि इस साल मैंने आम बहुत खाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु बदलू कहता है कि तुमको बिना आम खिलाए यहाँ से जाने कैसे दूंगा। लेखक इसके बाद फिर चुप हो जाता है और उसको वे दिन याद आते हैं जब वो छोटा था, बदलू के यहाँ आता था और बदलू उसके लिए मलाई बचाकर हर दिन रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डालिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़े। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटा, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसकी हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चुड़िया बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर, 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चिड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। थोड़ी देर चुप्पी के बाद लेखक फिर अपना विषय बदलता है और पूछता है कि गाय ठीक है ना, गाय अच्छी है ना। तो बदलू जवाब देता है कि गाय को बेचे हुए 2 साल हो गए, उसको खाना कहाँ से खिलाता, अब उसका जो आमदनी है वो पहले के जैसे नहीं रह गया। इतने में बदलू की बेटी अंदर से एक डाली में ढेर सारे आम लेकर आती है और उसके सामने पेश कर देती है। तो लेखक कहता है कि मैं इतने आम कहाँ से खा पाऊंगा। तो बदलू हंस पड़ता है और कहता है कि वाह वाह, अब तो तुम शहरी हो गए हो ना, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो एक वक्त में, अर्थात एक समय में, मैं इससे 4 गुने आम खा जाता था। तब लेखक कहता है कि आप लोगों की बात कुछ और ही है। इसके बाद बदलू अपनी बेटी से कहता है कि बेटी 4-5 आम छाट कर इसको दे दो, और वो भी सिंदूरी वाले, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट हो, मीठे हो। और ये भी कहता है कि यह इस साल तैयार हुए पेड़ का है। इसके बाद रज्जो 4-5 आम अंजलि यानी हाथ में लेकर लेखक की ओर बढ़ा देती है। आम लेते समय जब लेखक अपना हाथ बढ़ाता है तो अचानक से उसकी जो नजर है वह रज्जो की कलाई पर रुक जाती है। गोरी गोरी कलाइयों पर सुंदर सुंदर लाख की चूड़िया बहुत ही अच्छी लग रही थी। बदलू मेरी नजर देख लेता है और जवाब देता है कि यह मैंने आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार की बेटी के विवाह के अवसर पर, वे मुझे इस जोड़े के 10 पैसे दे रहे थे, उस जमाने के हिसाब से 10 पैसा बहुत होता था। मैंने यह जोड़ा उनको नहीं दिया और कह दिया कि जाओ शहर से ले आओ। इसके बाद लेखक आम खाकर वापस अपने घर चला आता है। लेखक को इस बात की बहुत खुशी होती है कि बदलू हार कर भी हार नहीं मानता है, और उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो
जो निजी विशेषता है वह कांच की चूड़ियों के समान कोमल नहीं है जो आसानी से टूट जाए। लेखक का कहने का अर्थ यही है कि मशीन युग आने की वजह से भले ही बदलू का काम धंधा बंद पड़ गया, भले ही उसको पैसे की आवश्यकता पड़ी हो, लेकिन उसका जो उसूल था कि वो अपने लाख की चूड़ियों को कभी पैसे से नहीं बेचेगा, इसी वजह से आखिरी समय में भी जब उसको पैसे की जरूरत होती है तो जमींदार के बेटी की शादी के लिए वह चूड़ियां पैसे उसे नहीं बेचता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि यह पाठ समझाने में मैं सफल हो पाया हूँ। अगर कोई समस्या या दुविधा हो इस पाठ से जुड़ी हुई तो सब उसे मेरे निजी व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।